हमीरपुर जिला के नादौन में पुलिस कर्मचारी के द्वारा कार चालक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने व गलत तरीके से चालान काटने का मामला प्रकाश में आया है। कार चालक नादौन में शादी का सामान लेने गया हुआ था और उसने अपनी गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से बाकी लगी गाड़ियों की लाइन में सड़क से दूर किनारे पर पार्क की थी। लगभग दो घंटे बाद जैसे ही उन्होंने गाड़ी निकाली तो हमीरपुर की तरफ से काफी ट्रैफिक आ रही थी। कार चालक का कहना है कि उन्होंने कीचड़ वाली जगह से गाड़ी बाहर निकाली और अपने परिवार को गाड़ी में बिठाया, जिसमें 80 साल के बुजुर्ग भी उनके साथ थे, जिन्हें उन्होंने कीचड़ से बाहर गाड़ी में बिठाया और चलने लगे। इसी बीच दो पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। इस बीच बुजुर्ग द्वारा पुलिस कर्मचारी को पूरी बात बताई गई, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कर्मचारी ने एक न सुनी। कार चालक का कहना है कि बिना मास्क पहने पुलिस कर्मचारी ने उनके साथ बहस करके 600 रुपए का चालान काट दिया। कार चालक का कहना है कि जो भी व्यक्ति अपनी बात रखता उसी को पुलिस ऑफिसर कोर्ट और थाने ले जाने की धमकी दे रहा था। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती तरीके से चालान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा तो चालान कर दिया गया है, परंतु बिना मास्क पहने पब्लिक स्थान पर जबरदस्ती परेशान करने के लिए नादौन के इस ऑफिसर पर कार्रवाई कौन करेगा।